वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। यहाँ पर रोमांटिक पीरियड के जो राइटर थे उनके बारे में डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। इनको आप ध्यान से देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम आपके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज द एज ऑफ रोमांटिसिज्म का क्वेश्चन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब से कब तक रोमांटिक पीरियड माना जाता है। 1798 से लेकर 1837 तक ये पीरियड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर इसके राइटर्स की बात करें तो इनमें मेन विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, उनके जो कंटेम्प्रेरी हैं एसटी कॉलरिज, वॉट सर वॉल्टर स्कॉट, जॉन कीट्स, पीबी शेले, तो ये सब किसमें आते हैं, रोमांटिक पीरियड के ड्यूरिंग इन राइटर्स ने काम किया है ना, ये सब वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब, अदर भी हैं, विलियम हेजलेट, मैरी शेली, जेन ऑस्टन, ले हंट, बहुत सारे हैं, थॉमस डी क्विंसी, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इन्हीं राइटर्स के बारे में जो एज ऑफ रोमांटिसिज्म है उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन, ठीक है। ये एक फ्रेज है फियरफुल सिमेट्री, ये हमें कहाँ दिखाई देती है, लंडन, अ पॉइजन ट्री, चिमनी स्वीपर या द टाइगर। तो ये जो फ्रेज है इसका राइट आंसर हो जाता है द टाइगर। द टाइगर में ये फ्रेज दिखाई देती है। जो रोमांटिक पीरियड के फेमस जो पॉयट थे, राइटर थे, विलियम ब्लेक, उनकी पोयम में हमें फियरफुल सिमेट्री नामक फ्रेज दिखाई देती है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th century। इसमें से आपको बताना है कि जो शेक्सपियर के मेजर क्रिटिक कौन थे और वो 20th century से बिलोंग करते थे, ठीक है। एडमंड गॉज, ए सी ब्रेडले, गिलबर्ट मोरे या फ्रैंक करमोट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, ए सी ब्रेडले। ये मेजर क्रिटिक रहे हैं जो कि 20th century के राइटर माने जाते हैं और इन्होंने शेक्सपियर की शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है, उनके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया है अपनी बुक शेक्सपियर इन ट्रेजेडी में। एक बार इसको देख लेते हैं। ए सी ब्रेडले, जिनका पूरा नाम एंड्रयू सेसिल ब्रेडले और इनका टाइम पीरियड 1851 से 1935 माना जाता है, इसीलिए ये 20th era के राइटर माने जाते हैं। ये एक इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर है और इनको शेक्सपियर पर इन्होंने जो वर्क लिखा था उसी लिए इनको याद किया जाता है। उनका जो वर्क आया था शेक्सपियर इन ट्रेजेडी, जिसको उन्होंने 1904 में लिखा था, प्रेज नॉट ओनली फॉर पर एनालिसिस। ए सी ब्रेडले, जिनका पूरा नाम एंड्रयू सेसिल ब्रेडले था, ठीक है, और इन्होंने ना तो शेक्सपियर को उनके काम के लिए सबसे ज़्यादा याद किया गया, मीन्स इन्होंने शेक्सपियर के जो वर्क थे उनका विश्लेषण किया, और बल्कि जो इन्होंने ल्यूसिड प्रोज स्टाइल था शेक्सपियर का उसके लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई, और जो मॉडर्न शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म था उन्हें इसमें क्लासिकल जो एक तरह से मान्यता होती है वो मिली हुई है, किसे, ए सी ब्रेडले को। तो इसीलिए इनको याद किया जाता है, इन्होंने जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो वर्क लिखा था उसमें सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के वर्क को क्रिटिसाइज करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 April mornings इज अ पोयम बाय, ये एक पोयम है द 2 April mornings किसकी, थॉमसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सिल्विया प्लॉट। तो ये जो पोयम है PGT 2015 दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी है। ये पोयम 2 April mornings एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जिसमें एक डेड जो चाइल्ड होता है उसके उसका जो दर्द है ना, और उसका जो सोरो है उसको दिखाया गया है, और इस पोयम का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो दुख से भरा हुआ है, जो जिसमें जो ट्रेजिक रियलिटी है डेथ उसको शो किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो वर्क है द 2 April mornings विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क माना जाता है। ये जो पोयम है ये मैथ्यू नामक जो कलेक्शन वर्ड्सवर्थ ने लिखा था उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 1820 में जो एक मैथ्यू पोयम सीरीज वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी जिसको उन्होंने मैथ्यू टाइटल दिया था,
और ये 1827 से 1832 में इसकी जो फर्स्ट लाइन थी इफ नेचर फॉर अ फेवरेट चाइल्ड इस तरह से करके आया था, और 1827 में उन्होंने इस कलेक्शन को मैथ्यू नाम दिया था, और ये द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स उसी कलेक्शन की पोयम मानी जाती है। ठीक है, इसमें एक जो स्कूल मास्टर होता है उसके बारे में वो बताते हैं, और स्कूल मास्टर की बेटी की जो डेथ वहाँ पर हो जाती है तो उसी के बारे में वो वहाँ पर जो डेथ की रियलिटी है उसको दिखाते हुए दिखते हैं। ठीक है, और मैथ्यू पोएम्स की जो सीरीज थी उसमें और भी पोएम्स आ जाती हैं। फर्स्ट तो मैथ्यू उन्होंने जिसका टाइटल रखा था, सेकंड द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स उसमें थी, नेक्स्ट जो थी वो फाउंटेन थी। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने सीरीज लिखी थी, लूसी पोएम्स की भी उन्होंने सीरीज लिखी थी, इसी तरह से मैथ्यू भी एक सीरीज थी, और एड्रेस टू द स्कॉलर इस तरह से करके उनकी पोएम्स आई थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये मैथ्यू पोएम के कलेक्शन में से सेकंड नंबर की पोएम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ लाइन फ्रॉम, कि जो ब्यूटी की थिंग होती है, हमेशा जो ब्यूटी की चीज़ होती है वो सुखदायक होती है, यानी कि वो आनंद देने वाली होती है, तो ये कहाँ से ली गई है लाइन, और टू ऑटम, एंडिमियन, और टू साइकी, या ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो ये जो लाइन्स हो जाती है PGT दिल्ली का पूछा गया, पुटअप किया गया क्वेश्चन है, रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड है, तो ये जो लाइन्स हैं ये एंटीमिनियम की हो जाती हैं, जो कि जॉन कीट्स का फेमस वर्क है। इसको एक बार देख लेते हैं, जॉन कीट्स ने इसको 1818 में पब्लिश कराया था, और इसकी शुरुआत होती है इन लाइन से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और इन्होंने इसको राइमिंग कपलेट्स में लिखा था, जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक पोयम है, और जैसे कि हेरोइक कपलेट इसमें दिया गया हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो एंडिमियन जॉन कीट्स उसकी फर्स्ट लाइन ये कंसिडर यहाँ पर की जाएंगी। नेक्स्ट, द लाइन पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इज बाय, ठीक है, कि ये जो लाइन्स हैं कि जो पोएट्स हैं वो संसार के अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर हैं, यानी कि अस्वीकृत विधायक माने जाते हैं। ये लाइन किसने, कहाँ से ली गई है, किसने बोली है, कि जो पोएट्स हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स माने जाते हैं, अस्वीकृत विधायक संसार के माने जाते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है, पीबी शैली, किसने बोला है ये, पीबी शैली, मैथ्यू अर्नॉल्ड, जॉन कीट्स या एज्रा पाउंड। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं इनको आप जानते होंगे क्योंकि फेमस लाइन है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर, इसका राइट आंसर हो जाता है पीबी शैली की, ये फेमस लाइन हो जाती है। ओके, एक उनका जो एसे आया था पीबी शैली का, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, उसमें ये लाइन बोलते हैं, और इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क इज, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए गए हैं और उनको आपको उनका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर बताना है। ठीक है, एन इवनिंग वॉक, द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेट्स, द एक्सकर्शन। ठीक है, तो इनका आपको जो है यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो बताना है, एन इवनिंग वॉक, लिरिकल बैलेट्स, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्शन, या फिर द लिरिकल बैलेट्स एन इवनिंग वॉक, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्शन, या फिर द एक्सकर्शन एन इवनिंग वॉक, द प्रिल्यूड या लिरिकल बैलेट्स, तो कौन सा इसमें हो जाता है, एक बार हम इनके जो ईयर हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो भी वर्क है उसके बाद हम यहाँ पर इनका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो मेंशन वर्क हैं वो सभी विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, जिसमें एन इवनिंग वॉक ओरिजिनली 1793 में पब्लिश हुआ था और रिवाइज्ड हुआ था 1794 में। ठीक है, तो 1793 से 94 में आया था एन इवनिंग वॉक। एक लिरिकल बैलेट्स एक कलेक्शन है पोएम्स का, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज ने लिखा था और सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1798 में। एक्सकर्शन एक लॉन्ग पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की ही, जो 1814 में पब्लिश हुई थी। और प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ की ही है। ठीक है, और ये जो पोएम है वॉज अननोन टू द जनरल पब्लिक, ये अननोन रही, मतलब इसको नहीं पहचाना गया पब्लिक के द्वारा, जब तक कि इसका फर्स्ट वर्जन पब्लिश नहीं हुआ था और वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, यानी कि पोस्थ्यूमसली इसको पब्लिश कराया गया था 1850 में, वर्ड्सवर्थ की डेथ तब तक हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंट टाइटल था वो उनकी विडो ने दिया था, ये आप जानते हैं, उनकी जो विडो थी मैरी, उन्होंने उसका टाइटल दिया था, और वर्ड्सवर्थ का ये सबसे ग्रेट वर्क माना जाता है। तो अब इनका करेक्ट ऑर्डर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा इवनिंग वॉक। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो इनका वर्क है वो आएगा लिरिकल बैलेट 1798, और थर्ड नंबर पर आएगा द एक्सकर्शन। ठीक है, जो कि 1814
14 में आया था और सबसे लास्ट में आएगा द प्रिल्यूड। तो ये करेक्ट ऑर्डर इनका हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से इनके जो ईयर हैं वो आप देख लेंगे। ये इनका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एंड इवनिंग वॉक, लिरिकल बैलेट्स, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लेक। इसमें से विलियम ब्लेक का कौन सा वर्क नहीं है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बायन, कासल ऑफ इंडोलेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कासल ऑफ इंडोलेंस, जो है विलियम ब्लेक का वर्क नहीं है इनमें से। ठीक है, ये जो जेम्स थॉमसन है स्कॉटिश पॉयट, उनका वर्क ये माना जाता है। ठीक है, कासल ऑफ इंडोलेंस किसका वर्क है? जेम्स थॉमसन का, जो कि 18th सेंचुरी के स्कॉटिश पॉयट हैं, और इसको 1748 में उन्होंने लिखा था। स्पेंसरियन स्टेंजा में इस पोएम को उन्होंने लिखा था। ठीक है, और इंग्लिश रोमांटिक पॉयट्स जो लॉर्ड बायरन हैं उनसे उनका बहुत ज़्यादा मतलब मीन्स प्रभाव था। जॉन कीट्स भी उनसे इंस्पायर थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डिडक्शन एंड ऑड इज रिटन बाय। ये रोमांटिक पीरियड के जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो स्पेशली जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं टीजीटी, ईएमआरएस, टीजीटी, उन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, डिजेक्शन एंड ऑड इज रिटन बाय किसने लिखी थी? एस टी कॉलरेज, पी बी शेले, सर वॉल्टर स्कॉट या मैरी शेले। ये तो फेमस वर्क है, इसको आप जानते हैं, ये एस टी कॉलरेज का फेमस वर्क माना जाता है। ठीक है, एस टी कॉलरेज ने इसको 1802 में लिखा था। ये ओरिजिनल जो फॉर्म थी पोएम की, ओरिजिनल फॉर्म किसने लिखी थी? सारा हचिनसन। ठीक है, एक लेडी थी जो उनकी वाइफ तो नहीं थी, लेकिन उनके प्रति उन्होंने जो उनकी फीलिंग्स थी लव की, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी है। ठीक है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABBA और कपलेट CC इसमें माने जाते हैं, यानी कि इसमें कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसे बाय। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो टेबल टॉक है वो कैसे कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? चार्ल्स लैम, थॉमस मोर, थॉमस डी क्विंसी या विलियम हेजलेट। तो ये जो कलेक्शन है ये विलियम हेजलेट का माना जाता है, विलियम हेजलेट इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, टेबल टॉक एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। टेबल टॉक ये एसेज का कलेक्शन है, और ये विलियम हेजलेट के जो ऐसे हैं उनका कलेक्शन माना जाता है। ओरिजिनली ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था, जो कि 1821 में हमें देखने को मिला था या पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें उन्होंने जो साहित्य और दर्शन हैं उसके जो टॉपिक हैं उनको रखा था। वॉल्टर स्कॉट इज़ अ, ठीक है, वॉल्टर स्कॉट क्या थे? पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, रोमांटिक या साइकोलॉजिकल। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हिस्टोरिकल राइटर यहाँ माने जाते हैं। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1771 से 1832 तक माना जाता है, और वो स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट माने जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट किसे माना जाता है? सर वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, उनकी जो सबसे फेमस पोयम थी द लेडी ऑफ द लेक उन्होंने लिखी थी, जिसका जो जर्मन ट्रांसलेशन है वो जर्मन ट्रांसलेशन फ्रांस शूबर्ट जो हैं उन्होंने किया है। ठीक है, इसको भी पूछा जा सकता है कि जो उनकी पोयम थी द लेडी ऑफ द लेक, उसका जर्मन ट्रांसलेशन किसने किया है? फ्रांस शूबर्ट ने किया है। ठीक है, इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। ओके, सो नेक्स्ट, स्कॉट जो हैं वो पॉपुलर हुए एज अ पॉयट 1813 में, जब उन्होंने जो पॉयट लॉरिट है उसको जीता। ठीक है, उन्होंने उसको मना कर दिया, हालांकि उनको पॉयट लॉरिट बनाया जा रहा था और उन्होंने मना कर दिया। उनकी जगह रॉबर्ट सदे को यह पोजीशन दी गई, और 1814 में उनका फर्स्ट नॉवल जो वेवरली था वो एनोनिमसली पब्लिश कराया गया, वेवरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। ये आप सब जानते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हैरी, जॉन कीट्स, एस टी कॉलरेज या रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये सबसे पहले जॉन कीट्स ने ये टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और इस टर्म को उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोला था, कीट्स ने शेक्सपियर को यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक एग्जाम्पल माना था। और इसी तरह से उन्होंने मिल्टन के बारे में भी और वर्ड्सवर्थ के बारे में भी अलग अलग फ्रेज से उन्हें यूज़ किया है। क्या कौन कौन सी फ्रेज? वर्ड्सवर्थ के लिए क्या बोला था उन्होंने? इगोटेस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थियन और ईगो
टेस्टिकल सबलाइम्स उन्होंने बोला था, ये एक लेटर कीट्स ने लिखा था, लेटर टू वुडहाउस, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फ्रेज है उन्होंने कहाँ पर दी थी, लेटर टू वुडहाउस में दी थी, ठीक है, 1818 में। और उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या लिखा था, इगोटिस्टिकल सबलाइम, और ये निगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो फ्रेज है उन्होंने किसको बोला था, शेक्सपियर को, कि वो प्राइम एग्जाम्पल है निगेटिव कैपेबिलिटी का, और जो उनके कैरेक्टर हैं इसी तरह से जो मिल्टन है उनको कॉन्ट्रास्ट में रखा था, और वर्ड्सवर्थियन और इगोटिस्टिकल सबलाइम उन्होंने इस लेटर में यूज़ किया था वर्ड्सवर्थ के लिए, इगोटिस्टिकल सबलाइम है ना, और वर्ड्सवर्थियन, इस तरह से उन्होंने ये वर्ड बोले थे, वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ उन्होंने किए थे, ओके, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये 1818 में ये लेटर उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन्स ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1858, 1859, 1862 या 1857, ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन, अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज जो थे किस ईयर में पब्लिश उन्होंने ये कराई थी, ठीक है, कौन सा ईयर था वो, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेशीज पब्लिश कराई थी, ओके, तो और ये जो चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेशीज है 24 नवंबर 1859 को कराई थी, और चार्ल्स डार्विन का ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल वर्क माना जाता है, ठीक है, इसमें उन्होंने जो डेवलपमेंट है बायोलॉजी की नींव उसमें रखी थी, ठीक है, डेवलपमेंट चार्ल्स डार्विन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और इसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक साहित्य है उसमें विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी थी चार्ल्स डार्विन ने, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वट अकॉर्डिंग टू पी वी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, पी वी शैली के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, ऑप्शंस आर द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, या द ह्यूमन माइंड एट वर्क, या द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, तो ये राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला ही हो जाता है, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, पी वी शैली की जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उन्होंने फ्रेज दी थी उसका मीन्स क्या होता है, किससे है, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, ठीक है, तो ये जो पी वी शैली हैं इन्होंने इसका यू, पी वी शैली ने जो उनकी टू ऑफ हिज फाइनेस्ट पोयम आई थी, यानी कि जो उनका दो पोयम आई थी, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और मोंट ब्लैक, उसमें यूज़ किया है, और इसकी प्रेरणा उन्होंने वर्ड्सवर्थ से ली थी, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क आया था ना ऑड इंटीमेशन ऑन इमॉर्टिलिटी, स्पेशली वहाँ से उन्होंने इंस्पायर होकर ये अपनी टू पोयम्स लिखी थी, और तब इन्होंने ये फ्रेज दी थी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, शैली जो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उनकी इमेजिनेशन थी, ये काव्यात्मक संवेदनशीलता नेचर द्वारा बनाई गई है, पी वी शैली का ऐसा मानना था, और इसकी इंस्पिरेशन उन्होंने किससे ली थी, पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये आप अच्छे से जानते हैं, गिल्ट एंड सोरो, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड या पीटर बेल, तो ये हो जाती है द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल और ग्रेटेस्ट पोएम मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, उन्हें पोएट ऑफ नेचर बोला जाता था, और वो ही वॉज बॉर्न इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स, कॉलरिज, शेले, बायरन, इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स में किस किस की पोएम हम कंप्राइजेस कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ तो है ही और साथ में कॉलरिज भी हैं, ठीक है, जिनकी 4 पोएम्स इसमें हैं लिरिकल बैलेट्स एडिशन में, और वर्ड्सवर्थ की कितनी है, टोटल 19 पोएम्स हैं, तो इसमें कितनी पोएम हैं, टोटल 23 पोएम है, और लास्ट पोएम कौन सी कंसीडर की जाती है, टिंटन एबे, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, और जो कॉलरिज हैं उनकी फर्स्ट पोएम मानी जाती है, फेमस वर्क से ये स्टार्ट होती है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ठीक है, ये कॉलरिज का वर्क है, और ये 1798 के एडिशन में हमें ये वर्क देखने को मिलता है, और ये जो वर्क था लिरिकल बैलेट्स, ये 5 एडिशन में देखने को मिलता है, ठीक है, 4 एडिशन में, 1798 में सेकेंड एडिशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 1802 में थर्ड एडिशन, एंड फोर्थ एडिशन इसका दिखाई देता है 1805 में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रोमांटिक पीरियड से ही रिलेटेड है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, एन एलेजी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एन एसे बाय चार्ल्स लैम, या एन एसे बाय विलियम हेजलिट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है चिमनी स्वीपर, एक एसे जो कि चार्ल्स लैम ने लिखा था, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं और जो यंग बॉय हैं
ठीक है, उनके बारे में वो लिखते हैं कि जो ठंडी सुबह होती है सब काम करने बाहर निकलते हैं, इसीलिए इस तरह के जो उन्होंने वर्क लिखे थे इसीलिए चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसेस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो चार्ल्स लैम है इनके चीफ वर्क में एसेज ऑफ एलिया, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द ओल्ड फैमिलियर फेस एंड अ टेल ऑफ रॉजमंड ग्रे एंड ऑल्ड ब्लाइंड मार्गरेट जॉन वुडविल, इस तरह के वर्क आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री। तो यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं उनकी मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है, सटायर, सेंशुअसनेस, सेंशुअलिटी या सोशल रिफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सेंशुअसनेस, ठीक है। सेंशुअसनेस कीट्स की पोइट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। कीट्स ने इसमें बताया है कि जो सेंशुअसनेस है, सेंशुअसनेस जो ब्यूटी है वही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है, ठीक है। और सेंशुअसनेस को उन्होंने अपनी पोइट्री में रखा है। उनका कहना है कि अच्छाई के बजाय जो आँखें हैं और जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें प्रसन्न करने पर हम लगे रहते हैं, लेकिन जो ट्रुथ है वो क्या है, ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। ये इस तरह की लाइंस जॉन कीट्स ने बोली हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सेंशुअसनेस है उनकी पोइट्री में, ये किसने बोला है उनके लिए, लुईस मैक नीस जो हैं वो कहते हैं कि उनकी पोइट्री में जो सेंशुअसनेस है वो बहुत ज़्यादा डीप है, इसीलिए जॉन कीट्स को ये लुईस मैक नीस सेंशुअस मिस्टिक मानते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सेंशुअस मिस्टिक किसे माना जाता है, ये जॉन कीट्स को, और किसने बोला था ये उनके लिए, लुईस मैक नीस ने बोला था, ठीक है। हु सैड कीट्स वॉज अ ग्रीक, कीट्स के बारे में क्वेश्चन है कि किसने कीट्स को बोला था कीट्स वॉज अ ग्रीक, ठीक है। ये तो ईजी हो जाता है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्प, शेले। तो शेले ने उनके लिए बोला था कीट्स वॉज अ ग्रीक, ठीक है, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पी वी शेले थे उन्होंने अपनी जो ओपिनियन है कीट्स के बारे में दी थी, और अपनी ओपिनियन देते हुए बोला था कि कीट्स ग्रीक थे, और रियलिटी में वो बताते हैं कि जो कीट्स थे वो निर्विवाद रूप से एक रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, ठीक है, ग्रीक थॉट के, जिसमें जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं वो उनकी शैली के नहीं थे, ठीक है। ग्रीक स्प्रिट वो मानते हैं कि कीट्स के माध्यम से ही लिटरेचर में आई थी, ठीक है, कीट्स के माध्यम से लिटरेचर में ग्रीक स्प्रिट का यूज़ हुआ था, और जो हेलेनिक इन्फ्लुएंस था उनकी पोइट्री में वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि वहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। कुछ अदर फैक्ट्स कि कीट्स जो थे हैड नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ ग्रीक लिटरेचर, कीट्स को कोई ग्रीक लिटरेचर की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, फर्स्ट हैंड नॉलेज यानी कि उन्हें ग्रीक लिटरेचर का कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ पी बी शैले थे जिनका ये मत था कि कीट्स वॉज अ ग्रीक, ये उनका अपना पर्सनल मत था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेंजर फॉर्म डिड शैले यूज इन हिज फेमस पोयम ऑट टू द वेस्ट विंड, ट्राइम रॉयल, ऑटवा राइमा, टेरजा राइमा या स्पेंसरियन स्टेंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टेरजा राइमा। जो स्टेंजा, जो शैली अपनी फेमस पोयम ऑट टू वेस्ट विंड में उन्होंने यूज किया है उसको टेरजा राइमा फॉर्म में यूज किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो पी बी शैले थे उन्होंने टेरजा राइमा अपनी फेमस पोयम ऑड टू द वेस्ट विंड में यूज़ किया था। ईच ऑफ द सेवन पार्ट्स ऑफ द पोयम कंटेंस, उनके जो पोयम थी उसके हर एक पार्ट्स में फाइव स्टेंजास थे और चार से तीन पंक्तियों के पद थे और एक कपलेट भी था जो आयम्बिक पेंटामीटर में उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये राइमिंग स्कीम का हर एक पार्ट टेरजा राइमा जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करता है, और ये सेम टेरजा राइमा वाला पार्ट किसने यूज़ किया था, डांटे ने यूज़ किया था अपनी डिवाइन कॉमेडी में, ठीक है। डांटे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पोयम में टेरजा राइमा का सबसे पहले यूज़ किया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। टेरजा राइमा के बाद जो 14th century आई उसमें और भी अदर जो, जैसे पेट्रार्क, रोमांटिसिज्म से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी सीरीज जल्द ही आपके लिए आएगी, इसलिए अपनी प्रिपरेशन करती रहिए।